सफर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जॉब्स स्टेशन। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि पंजाब लेवल पर जितनी भी अपकमिंग जॉब्स हैं सबसे पहले इस चैनल के ऊपर आपको अपडेट दी जाती है। उस पर अप्लाई कैसे करना है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट्स क्या है, कौन सा फॉर्म फिल करना है, आया कि वो ऑनलाइन करना है या आपने TCS के थ्रू भेजना है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए किसी भी जॉब के एडवर्टाइजमेंट को सबसे पहले इस चैनल के ऊपर डिस्कस किया जाता है। आज की वीडियो में जो हम शेयर करने जा रहे हैं आपसे वो है सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस शेखुपुरा रीजन का रिसेंटली 29 जून 2022 को फाइनल रिजल्ट जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस किया। तो 18 सीट्स थी, 3 सीट्स जो है वो आपकी वुमेन कोटा पे थी, 1 सीट आपकी माइनॉरिटी कोटा पे थी। इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए जो है वो फाइनल DMCs मैंने डिफरेंट कैंडिडेट्स की फाइनल DMCs मैंने कलेक्ट की हैं कि इंटरव्यू मार्क्स किस हद तक मैटर करते हैं, रिटर्न मार्क्स कितने हों तो आपकी फाइनल एलोकेशन हो सकती है, क्या अकेडेमिक मार्क्स आपके मेरिट नंबर को इफेक्ट करती है। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हाईएस्ट मेरिट कितना रहा है, लोएस्ट मेरिट कितना रहा है, कितने स्कोर वाला बंदा रिकमेंडेड बाय पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस शेखुपुरा रीजन, तो इस चीज़ को हम डिस्कस करने के लिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी अगेन रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट आपने लाजमी करना। अच्छा जी, सबसे पहले आपके पास है जी मेरिट नंबर 1 जो है सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस शेखुपुरा रीजन, सॉरी वो जो प्रीवियस आपके सामने DMC थी वो सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की थी, वो मिसप्लेस हो गई है। मैं आपको इस वीडियो का Part 2 भी बनाऊंगा जिसपे मुझे फर्दर कैंडिडेट्स की DMCs आई हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जी मेरिट नंबर 4 पे आए हैं मोहम्मद हारिस साहब हैं, इनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट ननकाना से है, ये मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने अपना इंटरव्यू भी मुझसे शेयर किया है। मैं आपको आज या कल इस चैनल के ऊपर उनका कम्प्लीट इंटरव्यू भी आपको यहाँ पर शेयर करूँगा। तो इनके अगर हम बात करने जा रहे हैं रिटर्न टेस्ट की तो वो 73.75 इनके रिटर्न मार्क्स हैं, एकेडमिक मार्क्स इनके 36/40 हैं और जो इंटरव्यू मार्क्स हैं इनके 72 हैं। और ज़िला ननकाना के अंदर इन्होंने माशाल्लाह टॉप किया है, अगर पूरी रेंज की बात करें तो ननकाना में इनकी फर्स्ट पोजिशन है और इसके अलावा जो है इंटरव्यू के अंदर ये इन्होंने टॉप किया इस भाई ने, इनका मेरिट नंबर 4 है और 72 मार्क्स हैं। देखिए अब इस DMC से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एकेडमिक मार्क्स हर बंदे के 34, 35, 36, 37 हर बंदे के हैं, रिटर्न मार्क्स 70 तक हर बंदे के हैं, जो फ़र्क डाल रहा है वो आपका इंटरव्यू मार्क्स यहाँ पे 72 लगे हैं, आपका फ़र्क जो चीज़ डालती है वो आपके इंटरव्यू मार्क्स होते हैं। इसके बाद ही हम जो आपसे दूसरी DMC शेयर करने जा रहे हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली मेरी DMC है शाहजब जफर जफर इकबाल, और मेरे जो रिटर्न में मार्क्स आए थे वो 70.25 थे और एकेडमिक मेरे 36/40 थे और इंटरव्यू मार्क्स मुझे 56 मिले हैं जिसकी वजह से मेरा मेरिट नंबर 59 पे जाके गिरा। तो अगर इस DMC को देखें तो 36 मेरे थे और 36 प्रीवियस DMC वाले हारिस के थे, रिटर्न मार्क्स मेरे 35 पॉइंट समथिंग है, उसके 36 पॉइंट समथिंग थे, तो जो फ़र्क आता है वो आपका इंटरव्यू मार्क्स की वजह से आता है। अब उसके 72 लगे हैं और मेरे 56 लगे हैं, तो मैं जो है वो रिकमेंडेड नहीं हूँ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। नेक्स्ट मूव करने जा रहे हैं जी वहीद मंजूर साहब हैं, जिनका मेरिट नंबर 13 है और एकेडमिक मार्क्स की बात करें तो 37 है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं, रिटर्न मार्क्स भी 76.75 है। अब यहाँ देखें, यहाँ इस भाई के एकेडमिक मार्क्स भी अच्छे थे और रिटर्न मार्क्स भी अच्छे थे, तो इनको इंटरव्यू में 62 भी मिले हैं तो उनकी माशाल्लाह जॉब हो गई है। तो इंटरव्यू मार्क्स अगर आपके एकेडमिक और आपके रिटर्न टेस्ट के मार्क्स 75 क्रॉस हैं, अच्छे मार्क्स हैं, एक्सीलेंट मार्क्स हैं,
तो आप इंटरव्यू में 3-4 नंबर कम स्कोर भी आपको मिलते हैं तो यू विल बी रिकमेंडेड बाय पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है जी, इस भाई का मेरिट नंबर जो है वो 13 था। उसके बाद है जी, ये है जी सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस शेखुपुरा रीजन का लास्ट बंदा, 18 सीट्स थी ओपन मेरिट की और इस भाई के 18 मार्क्स हैं और 136.75 पे मेरिट शेखुपुरा का क्लोज हुआ है। एहसन अयाज साहब हैं और इनके रिटर्न में माशाल्लाह 76.5 थे और इनके जो 36 थे जितने मेरे थे उतने उनके हैं। इनका देखें अब 62 पे इनकी रिकमेंडेशन हो गई है, रिकमेंडेशन इनके 62 पे हो गया। क्यों? क्योंकि इनके रिटर्न मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा थे और इनके एकेडमिक मार्क्स भी जो है वो 36 अच्छे थे, रिटर्न इनके माशाल्लाह 38.75 लगे हैं और इंटरव्यू मार्क्स की बात करें तो वो भी 62 है। हालांकि 72 तक रिकमेंडेशन 66 तक लोगों की होती है लेकिन इस भाई के 62 में रिकमेंडेशन हो गई है। तो इट्स मीन दैट अगर आपके एकेडमिक मार्क्स और रिटर्न मार्क्स अगर काफ़ी अच्छे हैं तो आप इंटरव्यू में अगर कम स्कोर भी करते हैं तो यू विल बी रिकमेंडेड बाय पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है जी, तो ये 4 DMCs मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया। मुझे 4 से 5 DMCs और मिली है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है, आपने कुछ नॉलेज गेन किया है, आपने कोई चीज़ लर्न किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट आप लाजमी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।